काश्मीर जो खुद सूर, थोड़ा जुड़ना पड़ेगा साहब, काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी, काश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था, काश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, काश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था, काश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में, फूलों की घाटी रोती थी। देखिए बच्चों तक हो सकता है मेरी बात ना पहुंचे, इन बड़ों तक जरूर पहुंचेगी, मैं उनकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, बड़ों के सामने प्रणाम करके पढ़ता हूं। अंधी गहरी खाई में फूलों की घाटी रोती थी, अंधी गहरी खाई में ये अग्नि गंधा मौसम का बेला था, ये अग्नि गंधा मौसम मलबेला था, गंधों के घर बंदूकों का मेला था, मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, मेघायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मेघायल घाटी के दिल की धड़कन। हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा है, बचपन से नारे लग रहे कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, हमारा तो क्यों चिल्ला रहे हो? एक बाप के चार बेटे होते तो नारा लगाते, सुने कभी आपने कि हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं, नारा लगा रहे हैं तो समझ लो नहीं है। और इस देश में बेईमान नारों की भरमार है, जानते हो एक बेईमान नारा क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इस नारे में इतनी बड़ी बेईमानी छिपी है, अगर मैं आज आपको बता दूं तो आज के बाद यह नारा नहीं लगाओगे आप कभी। सुनो इसमें कहां बेईमानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, आपस में हिंदू हिंदू के, मुसलमान मुसलमान के, बहुत बढ़िया नारा, आपस में एक दूसरे के कहां। हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा है, जब जब हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा था, जब जब भी छूकर देखा हिम चोटी में अंगारा था, कश्मीर था जहां तमंचे थे केसर की क्यारी में, कश्मीर था जहां रुदन था बच्चों की किलकारी में, कश्मीर था जहां तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, 47 के बंटवारे के घाव उघाड़े जाते थे, कश्मीर था जहां हौसलों के दिल तोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, अपहरणों की रोज कहानी होती थी, अपहरणों की रोज कहानी होती थी, धरती मैया पानी पानी होती थी, झेलम की लहरें भी आंसू लगती थी, गजलों की बहरें भी आंसू लगती थी, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मेघायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मेघायल घाटी के दिल की। काश्मीर था जहां गर्द में चंदा सूरज तारे थे, झरनों का पानी रक्तिम था झीलों में अंगारे थे, काश्मीर था जहां फिजाएं घायल दिखती रहती थी, गर्म हवाएं घाटी का राशि फल लिखती रहती थी, काश्मीर था जहां विदेशी समीकरण गहराते थे, गैरों के झंडे भारत की भूमि पर लहराते थे, काश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, काश्मीर था। और मैं कितने गुस्से में बोला हूं आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं कितने क्रोध में बोलता था, और जो सरकारें थी पिछले 30 सालों की सब सुनती थी और चुप लगा जाती थी, तब मैं बोलता था। काश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, इससे ज्यादा सख्त भाषा कभी बोली नहीं सकता। अगर आपको लगे मैं कितने हौसले से बोलता था तो आपका प्यार मांगता हूं। गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, लूले लंगड़े संकल्पों का भाषण था, फूलों का आंगन लाशों की, फूलों का आंगन लाशों की मंडी था, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था, मैं इस कोढ़ी कायरता की लाश उठाता फिरता था, मेघायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मेघायल घाटी के दिल की धड़कन। हमको दो आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर, हमको दो आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती थी बहुत बड़ी दुर्घटना पर, राजमहल को शर्म नहीं थी घायल होती थाती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर की छाती पर, मन करता था फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर,
भारत के बेटे निर्वासित हो गए अपनी धरती पर, भारत के बेटे विस्थापित हो गए अपनी धरती पर। वे घाटी से खेल रहे थे गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती थी पाकिस्तानी जूतों पर। कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे, जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे थे वे। फिर भी खून स्नेहों को न्योता था दरबारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का। कुर्सी भूखी थी नोटों के, एक नाम आएगा मेरी हर कविता में आता है, उस व्यक्ति का नाम सुनकर मैं राजनीति का एक ही पुरोधा मानता हूं इस देश में, दूसरे हो जाए तो सलाम, होने की ओर है, हो जाए तो सलाम, लेकिन एक हैं, उनका नाम सुनकर आपके दिल में प्यार के सम्मान की एक भी हिलोर उठे, तो तालियों के ऐसी हिलोर उठाना जो जीवन भर मेरे मस्तिष्क में लगे कि मैंने कभी तालियां बजती हुई देखी थी। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की, आंगन घाटी हो गई खूनी खेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेल। क्या नजारा है, ये बड़े पति की भी लोगों की गड़गड़ाहट, एक दूसरी की और आज तो मुझे आप जी भर के सुना लें दो, क्योंकि मैंने शायद जीवन में इतना अच्छा अनुभव कभी जिया नहीं कविता सुना। अद्भुत अद्भुत। सल्यूट करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। दादा एक विनम्र निवेदन और करूं, ये उम्र में छोटे हो सकते हैं पर बुद्धिजीवी इतने हैं, एक एक शब्द आपका समझ रहे हैं, आप समझ रहे हो तो एक बार आकाश बरतालियों से होने पर। मैं 2 दिन पहले बेंगलोर था तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं बहुत जोश, कोई व्यवस्था बनाने के लिए नहीं जाएगा, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं इन बच्चों पे गुरूर करता हूं, घमंड करता हूं जिनको आपके अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। हरिओम पमार के कविता पढ़ते समय अगर सुनने वालों के लिए अनुशासन बनाने के लिए किसी और की जरूरत पड़ेगी तो मेरा कविता सुनाने का वो आखिरी दिन होगा, उसके बाद कवि सम्मेलन नहीं पढ़ूंगा। कोई व्यवस्था मत, सब सुनने के लिए बैठ जाइए, आदरणीय आप भी बैठ प्लीज, मेरा निवेदन है आपसे, पत्रकार भाइयों से कैमरामैनों से सबसे माफी मांगता हूं, उनको असुविधा हो रही होगी, लेकिन मेरा अनुरोध है पीछे से आपको एक को भी अगर मैं नहीं दिखता आपके कारण तो उसका जो उसके मन का जो क्रोध है वो उसका पाप मुझे लगेगा। सुनिए मन से, बेंगलोर में था मेरे मुंह से निकल गया कि मैं एक बहुत जोश में छंद पढ़ूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि मैंने ज्यादा जोश में पढ़ा या आपने ज्यादा जोश में सुना। फिर मेरे मुंह से यह भी निकल गया कि मैं आज हार के जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जितने जोश में मैं पढ़ूं उससे ज्यादा जोश में आप सुने। आज यही अनुरोध मैं यहां प्रिंस एजुकेशन हब में कर रहा हूं, मैं जितने जोश में पढ़ूं उससे ज्यादा जोश में आप पढ़ना, मैं चाहता हूं मैं यहां से हार के जाऊं, और महेंद्र धनवाजी इसी में मेरी जीत है कि आप जोश में इतना सुने कि मेरी हार हो जाए। सुनिए, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते थे, जब कृष भारत के नारे थे गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता था बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की, संविधान को बदल दी। देखना चाहता हूं मुझे हराना जोश में, मैं हार के जाना चाहता हूं। 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की, संविधान को बदल दिया है, घाटी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा। ये भावनाएं हैं इनकी, हमारे तमाम चेहरों से जुड़े हैं।
भाती हो जिनको भारत की धरती ना भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिनको भारत की धरती ना भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने माँ का आंचल फाड़ा हो, दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा हो, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, अंतिम छंद सुनिए इस कविता का अंतिम छंद। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, वाह अंतिम छंद सुनिएगा। बहुत कितनी प्रशंसा करूं सचमुच, अगर मेरे पास जीवन का कोई, मैंने जीवन में कभी भी गलती से भी मुझसे कोई पुण्य हो गया हो तो मैं उस पुण्य के बदले इस प्रिंस एजुकेशन हब को सौंपता हूं उस पुण्य के सारे फल कि ये आप अपने बच्चों को। और हरीश भाई आपका भी आजीवन आभारी रहूंगा, मैं गुरु कृपा में आया था 8-9 साल बाद पहले जी, उसके बाद 8-9 साल बाद बुलाया। तब जो ये अवसर हमें रामोतार जी डूडी ने दिया था दादा, वो भी बैठे हैं जी, उनका बहुत बहुत आभार जिनका भी, जिन्होंने भी अवसर दिया। लेकिन इस सीकर की एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे चला गया लेकिन आर्थिक स्थिति सुधरने में 9 साल लगे। अमरनाथ को गाली सुनना जुड़ना मुझसे, अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, चांद सितारे टांक लिए थे खून लिपी दीवारों ने, इसीलिए नाकाम रही थी कोशिश सभी उजालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली थे रावल पिंडी वालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली थे रावल पिंडी वालों की। चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, फिर देखना चाहता हूँ जोश, अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ का यरताना समझे सिंहों की खामोशी को, हमको अपने खट्टे मीठे गीदड़ का यरताना समझे सिंहों की खामोशी को, हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। सुनिए, भारत माँ को सोने दो, सो गई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे आइए, स्वागत, थोड़ा आप काफी आप मुझ तक आगे, थोड़ा सा और आइएगा। एक बात अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, हमने एयर स्ट्राइक भी किया, सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, आर्टिकल 370 भी हटा दिया, 35 भी हटा दिया, फिर भी ये पड़ोसी हमसे डरता क्यों नहीं है? डरता नहीं, डरता नहीं है। 1971 में इंदिरा गांधी की पिटाई के बाद फिर ये हमसे कभी डरा नहीं, नहीं डरा। कैसे डरता, कब डरता, मैं 2 लाइन सुना रहा हूं और ये तय करूंगा। इस तेवर को सुनने के लिए सीकर के प्रिंस एजुकेशन हब के बच्चे तैयार हैं, आदरणीय अतिथि तैयार हैं, तो मैं आगे सुनाऊंगा। 2 लाइन तय करेंगे कि इस तेवर को स्वीकारता है कि नहीं, और सीकर की धरती अगर इस तेवर नहीं स्वीकारती तो हिंदुस्तान में शायद इस तेवर को कोई भी नहीं स्वीकारेगा। 2 पंक्ति तय करेंगे कि आप इस कविता को सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता सुनाऊंगा, चौथाई लोगों ने ताली बजाई तो चौथाई कविता सुनाऊंगा, और एक एक व्यक्ति का हाथ खुल गया तो पूरी कविता सुनाऊंगा। केवल 2 लाइन तय करेंगी, ये डरता कैसे, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, अगली लाइन तय करेगी कि कितनी सुनना चाहते हो कविता। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। सर काटा गया,
और हम बातचीत करते रहे। अपने सैनिक सर कट जाने के बाद हम बातचीत करते रहे। मैंने पूछा हरीश भाई से, मेरा छोटा भाई है लेकिन प्रज्ञा और मेधा और हास्य के महत्व में मुझसे अपना अधिक बड़ा है। मैं मानता हूँ संसार में ओठों की हंसी देना, चेहरों पर मुस्कुराहट के हस्ताक्षर करना कई बार ओज और गीत से बड़ा काम है, मैं खुद स्वीकारता हूँ। मैंने हरीश से पूछा, हरीश एक बात समझ में नहीं आई, हमारे सैनिक का सर काट के पाकिस्तान अपनी सीमा में ले गया, क्या करेगा उसका? तो जो हरीश ने जवाब दिया, आपका बेटा है। अपने बेटे की प्रज्ञा और मेधा पर गर्व करना, घमंड करना कि आपका बेटा इतना बड़ा जवाब दे सकता है हास्य का कवि होने के बावजूद। इसने मुझे कहा, भाई साहब उसकी फौज कायर है, 1971 में 93,000 बंदूक डाल दी गई थी सैनिकों द्वारा, उस मुल्क की फौज आज भी कायर है। वो शायद अपनी कायर फौज को दिखाना चाहता होगा कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है। खाना चाहता हूं साहब, मैं आजीवन ऋणी भी रहूंगा और याद भी रहेगा ये पल मुझे। मुझे 10 सेकंड और देना, 10 सेकंड। मैंने ये गुस्से में कविता लिखी, मेरे जीवन की सर्वाधिक गुस्से की कविता ये। मैंने लिखी क्यों, 10 सेकंड की कहानी सुनना एक। इतनी बड़ी भीड़ कहानी सुन ले, आप किसी बड़े से बड़े संत महात्मा का प्रवचन सुन लेना, उसमें इतनी शांति नहीं होती। हिंदुस्तान के किसी भी नेता की सभा में इतनी बड़ी शांति नहीं होती। कवि सम्मेलन के लिए आपने नए अर्थ दिए, आप चाहे तो जोगेंद्र जी के जन्मदिन पर, चाहे डॉक्टर पीयूष जी के जन्मदिन पर, हर साल का एक फिनोमेना बनाइए। क्योंकि देखिए साहब, राजनीति के लोग यहां बैठे होंगे, मैं नहीं जानता किसी को, मैं सबको प्रणाम करता हूं। किसी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, सपा की हो, बसपा की हो, ये सरकार का काम है कि देश कैसे खूबसूरत बनेगा, सड़कें कैसे खूबसूरत बनेंगी, मकान कैसे खूबसूरत बनेंगे, हवाई अड्डे कैसे खूबसूरत बनेंगे, ये सरकारों का काम है और सब सरकारें करती हैं। लेकिन इंसान कैसे खूबसूरत बनेगा, ये काम केवल साहित्यकार करते हैं, इसलिए उनको ये काम करने दीजिए। देश का विकास सरकार करती है, आदमी का विकास साहित्य करता है, उर्दू का अदब करता है, हिंदी का साहित्य करता है। तो जो मैं कहना चाहता हूं, एक फिनोमेना बनाइए, हर साल किसी भी एक दिन अपने बच्चों को, क्योंकि आप सब कुछ कहीं से भी सीखना, अदब तो आप केवल साहित्यकारों से सीखेंगे, चाहे उर्दू के अदब से सीखें, चाहे हिंदी के अदब से सीखें, चाहे राजस्थानी भाषा के अदब से सीखें, मातृभाषा से ही संस्कार मिलेंगे आपको। एक पिंजरे में पाल तो तोता था किसी के पास, छोटी सी कहानी है 10 सेकंड की, लेकिन बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, मुझे उस गांव में कोई काम है, तुम्हारा खाना दिन भर का मैंने पिंजरे में रख दिया है, खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में तो मेरे गुरु रहते हैं। तो मालिक बोला, मैं क्या करूं? बोले, मेरे गुरु जी को मेरी राम राम तो बोल सकते हो, उस गांव में जा रहे हो तो। मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा, मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहां कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, मैं हूं। तो उसने कहा, तो मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आते पूछा, मालिक मेरे गुरु मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरु, मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। अब समझना मैं कहना क्या चाहता हूं, पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। वाह, जिसे आजाद होना है वाह। और ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दुख के साथ कहता हूं, फिर कभी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुआ, नहीं हुआ। खंडों में मरता रहा, कभी 62 में मरा, कभी 65 में मरा, कभी 71 में मरा, कभी करगिल में मरा, कभी बंबई में मरा, कभी संसद में मरा, कभी पठानकोट में मरा, कभी उरी में मरा, कभी करगिल में मरा, खंडों में मरता रहा। हम एक बार, हमने कोशिश की है 5 अगस्त को कि हम एक बार मरने के लिए तैयार हो गए हैं, अब हमको जीना आएगा, अब हमको जीना आएगा, हमको जीना आएगा। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते,
गर हमने दो के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। और हमारे इस जोश में सुनना, मैंने रोकर भी लिखी है, जोश में भी लिखी है, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के चरणों में, ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के चरणों, खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा था चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी। और इस सवाल का जवाब जो मेरे दिल में है वो ही आपके दिल में हो तो बताना कि आप भी यही सोचते हो। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। वाह, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए, हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाग फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलवाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, दाद देना मुझे जी भरकर। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। वाह, क्या किया हमारे नेताओं ने, और नेताओं ने क्या मोदी जी तक ने, नवाज शरीफ के घर पहुंच गए बिना बुलाए चाय पीने। मैंने मालूम कराया, साहब क्यों आप क्यों गए? बोले मैं तो तुम कवियों के मारे गया कि तुम मेरे खिलाफ कविता ना लिखो। मैंने कोशिश नहीं की शांति लाने की, मैं तो शांति लाने गया था। मैंने कहा मिल गई, ले आए। 135 करोड़ का नेता बिना बुलाए किसी के घर जाए तो कवि क्या लिखेगा? मैं झोंपड़ी का बेटा हूं, गांव से उपमा उठा के लाया हूं। आप भी समझिए अपने को कि गांव की उपमा है ये। और मुझे कैसा लगा 135 करोड़ के नेता का किसी के घर जाना, उसके घर जो अविश्वसनीय है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे जैसे 70 साल का इतिहास एक लाइन में गा रहा हूं, एक लाइन में 70 साल। जैसे कोई पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में। वाह, हम कस्तूरी खोज रहे थे, हम कस्तूरी खोज रहे थे, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में। दिल्ली वालों, दिल्ली रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ, तो थोड़ा सा दिखाया है अभी तो बस। रावलपिंडी वालों को जोश में सुनना, रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो। दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इसराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। इसराइल से जीना सीखो, इज़राइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती थी। देखो साहब, मैंने 40 साल निभाए कविता में, और मैं 40 साल से हिंदुस्तान के हर सिंहासन का स्थाई विपक्ष होके जिया हूं। लेकिन अगर कोई ऐसा काम कर दे जो 40 साल में किसी ने नहीं किया, तो फिर मैंने कोई कसम नहीं खा रखी कि मैं किसी की तारीफ नहीं करूंगा। मैंने कोई कसम नहीं खाई थी ऐसी, मुझे कुछ ऐसा अच्छा लगेगा तो तारीफ करूंगा। सुनना, जिनके कारण तारीफ अच्छी लगे तो ताली बजाना, और आपको लगे कि मुझे तारीफ नहीं करनी चाहिए तो मैं आपका कहना सर माथे लेके जाऊंगा, कल से नहीं करूंगा। लेकिन आपको लगे जहां मैंने तारीफ की है वहां करनी ही चाहिए थी। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती थी, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती थी, पूनम वाली रात चांदनी चंद ग्रहण सी लगती थी, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती थी, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती थी, उनके पैरों बेड़ी जकड़ी गई बधाई देता हूं, उनके
फन पर एड़ी रगड़ी गई बधाई देता हूं। वाह, उनके फन पर एड़ी रगड़ी गई बधाई, उनके फन पर, उनके फन पर एड़ी रगड़ी गई बधाई देता हूं। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता था, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता था, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता था, वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते थे, सेना पर हमला करते थे, खूनी भाग मनाते थे, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे। वाह, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे। और मैंने, अब तो मौसम बदल रहा है, पहले लिखा था, मुझे पता चला है कि आदरणीय सुंडा जी के पिताश्री सेना में रहे, दो लाइन पढ़ता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, अगर ये पहले बतला देते तो कोई पत्थर ही नहीं उठता, अगली पंक्ति समझ जाओ तो दाद देना। मैं चाहता हूं कि आपका ज्ञान, आपसे नहीं कह रहा हूं साहब, आप बच्चों से कह रहा हूं, बच्चे समझ जाए मैं कहना क्या चाहता हूं तो शायद उनका मन उठे। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है उनको इतना समझा दो। ये गांधी के गाल नहीं है। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर बैठे रहते थे, बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर बैठे रहते थे, और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे, दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर, दुनिया को एहसास कराया हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर पत्थर से दे सकते हैं, हमने वक्त बदलना सीखा डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का, दुनिया को एहसास कराया, दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं। फौज के कुछ लोग यहां बैठे हों, जो लोग सेना में जाना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास जो सबसे अच्छा मेरे दिल का है वो कहना चाहता हूं, भगवान राम हमारे रक्षक हैं, होंगे मैंने नहीं देखे, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक हैं, होंगे मैंने नहीं देखे, मैंने अपने जो रक्षक देवता देखे हैं, ये रक्षक देवता वो फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, ये हमारे रक्षक देवता हैं, मैं इनको सल्यूट करता हूं, ये हमारे रक्षक देवता हैं। दो बातें बताता हूं, अगर मुझे प्यार करते हो थोड़ा सा भी आपके दिल में मेरे लिए प्यार जगाए तो मेरे दो निवेदन मानना, आपके आस पड़ोस में कहीं कोई शहीद का परिवार रहता होगा, आप साल भर में छुट्टी मनाने जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, ये विद्यालय काम ले सकता है अपने बच्चों की एक पिकनिक पार्टी बनाए और एक शहीद के परिवार में एक साल में एक बार उसका हालचाल पूछने जाए कि वो कैसे हैं, ताकि उनको लगे कि देश उनके साथ है। और एक और निवेदन करके जा रहा हूं, आपको कहीं भी कभी भी बस अड्डे पर, सड़क पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर कोई फौजी वर्दी में जाता हुआ दिखाई दे, चाहे सैनिक हो चाहे अधिकारी, उसको खड़े होकर ताली बजाकर एक बार सम्मानित करो, ताकि उसको लगे देश उसे से। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं। और साहब, मैंने नेताओं पर इससे ज्यादा सख्त कुछ नहीं लिखा, और मैं एक पढ़ा लिखा कवि हूं जैसा इसने बताया, ये तो आपको लगा होगा हंसी भी कर रहा है, नहीं, नहीं। जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते होंगे मैंने आज से 25 साल पहले LLD कर ली थी। इसने फोन करके पूछा, भाई साहब क्या किया मैं इनका LLD, तो मुझसे बोला BEd नहीं कर सकते थे क्या? मुझे उस दिन पता चला इसने बिहार में टॉप किया है। मैंने बहुत चालाकी से एक लाइन लिखी है, मेरे जीवन की नेताओं पर लिखी सबसे कड़वी पंक्ति है, और इतनी चालाकी से लिखी है कि नेताओं की समझ में आए नहीं, और आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल जाऊं वहां से। आप सब सोचना दिल पर हाथ रख कर, क्या इससे सख्त कोई बोल सकता है और क्या इतनी चालाकी से कोई बोल सकता है? सुनना, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, आप समझ जाओ कि इससे ज्यादा सख्त में नेताओं से कुछ कह नहीं सकता, तो मेरा हौसला बढ़ाना। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं, जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का, उन्हें तिरंगे को।
उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दुर्बल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवार अपनी ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो, अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर। अंतिम पंक्तियां और सुनना इस कविता की, और कोई उठना मत साहब, इस कविता को खत्म करके मेरी केवल एक 4 मिनट की कविता है करगिल के शहीदों पर, उसको बिना पढ़े मैं अपना कविता पाठ पूरा नहीं मानता, केवल 4 मिनट इसके बाद ये खत्म करता हूं। सुनना, हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, समझना, हर संकट का हल मत पूछो। बिटियां वापिस आओ, बिटियां वापिस आओ, वापिस आओ, ये पार्लियामेंट नहीं है जिसका मन करेगा उठ के चला जाएगा। स्वागत गौरी, सीखो, एक उम्र लगती है सीखने में, मेरी 3 लगी हैं। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से, पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो। और गंभीर बात कह रहा हूं, कुछ ही बुद्धिजीवी लोग समझेंगे, ये युद्धों का परम सत्य है पूरा जगत जानता है, लोहा और लहू जब लड़ते हैं तो लहू हारता है। जो खूनी दंशों को सहने वाला राजवंश होगा, या तो महामूर्ख होगा या कोई परमहंस होगा। वाह, या तो महामूर्ख होगा या कोई परमहंस होगा। बढ़ते बढ़ते कोई फड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है, उस फोड़े में। और साहब एक अनुरोध और करता हूं, मैं कविता समाप्त कर रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान के बेटे बेटियों से अनुरोध करता हूं कि कश्मीर के बेटी बेटियों को एक एहसास दिलाओ, अपनी बाहें फैलाओ, उनसे कहो हमने कश्मीर नहीं लिया, हमने हिंदुस्तान कश्मीर को दिया है, हिंदुस्तान दिया है हमने कश्मीर को, तुम्हारा फलक बड़ा किया है, तुम्हारा आकाश बड़ा किया है, हम तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे से करते हैं, और तुमको ज्यादा करेंगे, और इतना करेंगे कि पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम भी हिंदुस्तान के साथ चलेंगे। ये होगा राष्ट्र, ये होगा। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, मैं अंतिम पंक्तियां बोल रहा हूं साहब, और ये कहने की बहुत मजबूरी है, हरीश तुमको समर्पित करता हूं, तुम्हारे इस प्यार को, लाड़ को, तुमने कविता के संस्कार अपने शेखावाटी के अंचल में बोए, इसके लिए तुमको श्रेय जाता है, इसका श्रेय तुमको जाता है। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो, पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में, तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जैनाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो, 48 में खोया था जो, 48 में खोया। बहुत बहुत धन्यवाद, 4 मिनट और दे दीजिए।